यह रिश्ता क्या कहलाता है कि सचिन त्यागी के बाद समीर ओंकार और स्वाति चिटनेस की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मेकर्स ने कहा कुल 7 लोग। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। इस संक्रमण से सबसे पहले मनीष गोयनका का किरदार निभाने वाले कलाकार सचिन त्यागी को अपनी चपेट में लिया। बीती शाम ही प्रोडक्शन हाउस से जुड़े लोगों ने साफ किया कि सचिन त्यागी के साथ साथ कुछ क्रू मेंबर्स की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और बाकी कलाकार अपनी कोरोना रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। ताज़ा जानकारी की माने तो अब स्वाति चिटनेस और समीर ओंकार भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। स्वाति चिटनेस ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं दादी का कैरेक्टर करती है, वहीं समीर ओंकार समर्थ का किरदार अदा करते हैं। स्वाति और समीर के साथ साथ कुछ और क्रू मेंबर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मेकर्स ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए सभी कलाकार और क्रू मेंबर्स के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मेकर्स ने कहा कि स्वाति चिटनेस, समीर ओंकार और सचिन त्यागी जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है के अहम हिस्सा है, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सुरक्षा के लिहाज से सभी घर पर ही क्वारंटाइन है। बीएमसी ने भी उन्हें ऐसा ही करने के लिए कहा क्योंकि उनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। जल्द ही सभी क्रू मेंबर्स और बाकी लोगों को आइसोलेट करके उनका टेस्ट कराया जाएगा। 4 क्रू मेंबर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीएमसी जल्द से जल्द पूरे सेट को सैनिटाइज करने वाली है। मेकर्स ने अपने स्टेटमेंट में आगे कहा कि हम लगातार सभी के टच में हैं क्योंकि सभी का स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे लिए उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है। इन दिनों ये रिश्ता क्या कहलाता है करंट ट्रैक सचिन त्यागी के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन अब मेकर्स को जल्दी अपना ट्रैक बदलना होगा। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अपकमिंग एपिसोड में मेकर्स कीर्ति और आदित्य की कहानी पर फोकस करने वाले हैं। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।